चलो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एक्चुअली अभी कर रहे हैं डेवलपमेंट थ्योरीज। डेवलपमेंट थ्योरीज साइकोलॉजी की क्लास है, ठीक है। डेवलपमेंट थ्योरीज में, डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं विकास के सिद्धांत, सिंपली है ना, विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट थ्योरीज में मेनली हम थ्री, जो तीन मेन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट थ्योरी जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है कौन सी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। पहली थ्योरी है हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, जो कि दी है किसने, जीन प्याजे ने। किसके द्वारा दी गई है ये, जीन प्याजे के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना। अब देखो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी इसमें हमने जीन प्याजे ने जो कुछ स्टेजेस दी हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। मेनली चार स्टेजेस हैं उनकी, ठीक है, इनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और मेन अगर जीन प्याजे के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने जो बच्चे थे, इनके खुद के बच्चों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई थी कि एक बच्चा एज के साथ कैसे डेवलप करता है, सिंपली, ठीक है। और इसमें हमने ये पढ़ा था कि इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कह के बुलाया था। बोलने का मतलब है कि ये इनका मानना था कि बच्चों को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है इतनी, बच्चा जैसे जैसे एनवायरमेंट के साथ जो भी इंटरेक्ट करेगा या एनवायरमेंट में रहेगा वो खुद सीखेगा, करके सीखेगा, सिंपली, ठीक है। देन आपके जो जीन प्याजे थे, अगर बात करें कि कहां से बिलोंग करते थे, कौन से आपके साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड के या फिर स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, सिंपली, ठीक है। इनके बारे में ये बात की थी हमने। देन नेक्स्ट बात करते हैं, अगली डेवलपमेंट थ्योरी हमारे पास कौन सी थी, नेक्स्ट हमने की थी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, राइट, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जिसको हिंदी में बोलते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत। किसने दी है ये थ्योरी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। किसने दी है, लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग की ये थ्योरी है, सिंपली, ठीक है। इन्होंने भी डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं, और वो चीजें इंपॉर्टेंट क्या हैं, इन्होंने सिंपली किसको, किस पे ज्यादा फोकस दिया है, मॉरल पे ज्यादा फोकस किया कि एक बच्चे का जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है मॉरली क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके मॉरल कैसे चेंज होते हैं, नैतिक विकास कैसे होता है, सिंपली। तो इसके लिए इन्होंने सिक्स स्टेजेस दी हैं। कितनी दी हैं, थ्री लेवल्स के बारे में इन्होंने बात की है और सिक्स स्टेजेस के बारे में इन्होंने बात की है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कि इन्होंने थ्री लेवल्स और सिक्स स्टेजेस के बारे में बात की है। किसने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, सिंपली, ठीक है। देन अब अगर लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें तो ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ से हैं ये, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। कहाँ के हैं ये, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये बात हो गई, याद रखना इन्होंने फोर स्टेजेस दी थी और कुछ प्रोसेस बताए थे, इन्होंने थ्री लेवल्स दी हैं और सिक्स स्टेजेस दी हैं, सिंपली, ठीक है। लास्ट क्लास में वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। देन जो हमारे पास तीसरी थ्योरी है वो कौन सी है, सोशो कल्चरल थ्योरी। तीसरी थ्योरी कौन सी है डेवलपमेंट थ्योरी इंपॉर्टेंट, सोशो कल्चरल थ्योरी, सोशो कल्चरल थ्योरी, ठीक है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब ये जो सोशो कल्चरल थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई है, अगर बात करें तो लीव वाइगोत्स्की ने दी है। ये किसने दी है, लीव वाइगोत्स्की की थ्योरी है ये, सिंपली, ठीक है। और अगर बात करें कि ये जो लीव वाइगोत्स्की हैं ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आंसर रहेगा रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, रशिया से बिलोंग करते हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं ये, ठीक है।
ये था हमारे पास। अब ये जो सोशो कल्चरल थ्योरी है ना, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये दो थ्योरी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस थ्योरी में कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम कर लेते हैं तो ऑल अबाउट जितनी भी थ्योरी घूमती है वो वही सिंपली इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, आप इसको वन बाय वन रफ कर दूं, इस पे आते हैं डायरेक्ट अब, ठीक है। कौन सी थ्योरी किसने दी है, एक आपने ये याद रखना है, और की पॉइंट्स क्या है उस थ्योरी के, क्या बोलना क्या चाहता है जो साइकोलॉजिस्ट है उस पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में, ये याद रखना। अगर आपको इतना याद रह जाता है तो आधे से ज्यादा थ्योरी आपकी वहीं सोल्व हो जाती है, ठीक है। सो थ्योरी का नाम क्या है हमारा, सोशो कल्चरल थ्योरी, ठीक है, गिवन बाय लीव बाय गोस्ट की। ए रशियन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। चलो आते हैं इस पे, मैं डायरेक्ट ज्यादा मतलब घुमाऊंगी नहीं, मेन की पॉइंट्स पे आते हैं कि इन्होंने किस किस चीज के बारे में बात की है या फिर ये क्या कहना चाहते थे सिंपली, ठीक है। तो पहले तो कुछ की पॉइंट्स जो इनकी थ्योरी के हैं उन पे बात करते हैं, ठीक है। पहले क्या क्या है, इन्होंने तीन एलिमेंट्स बताए हैं, इन्होंने थ्री मेन एलिमेंट्स दिए हैं किस चीज के, तत्व जिनको हिंदी में बोलते हैं। थ्री मेन एलिमेंट्स इनकी थ्योरी के कौन कौन से हैं, फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास सोशल इंटरेक्शन, फर्स्ट एलिमेंट क्या है इनके पास, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। सेकंड इन्होंने मेन एलिमेंट बताया है लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड एलिमेंट जो इन्होंने बताया है वो है लैंग्वेज, पहला है सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है लैंग्वेज, और तीसरा जो इन्होंने मेन एलिमेंट दिया है वो है कल्चर हमारा, ठीक है, कल्चर, कल्चर संस्कृति जिसको बोलते हैं। सोशल इंटरेक्शन मतलब जो सामाजिक संप्रेक्षण होता है, और लैंग्वेज मतलब भाषा, और कल्चर मतलब संस्कृति, ठीक है। तो अब ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये इन्होंने किस चीज के लिए दिए हैं, अगर बात करें तो कि बच्चा सोशली कैसे डेवलप कर सकता है सिंपली, ठीक है। तो इनका कहना है कि अगर एक बच्चा सोशली इंटरेक्ट करेगा ना तभी उसकी सोशो कल्चरल डेवलपमेंट या कोग्निटिव डेवलपमेंट पॉसिबल है सिंपली, कब, जब वो सोशली इंटरेक्ट करेगा लोगों के साथ। मतलब जो आपके पहला, तो आपको पता है कि बच्चे का जो फर्स्ट एनवायरनमेंट है वो उसकी फैमिली रहती है, फैमिली के बाद वो स्कूल में जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो सोशली इन्वॉल्व होना शुरू करता है, ठीक है। तो ये जो लीव वाइगोत्स्की है इनका कहना है कि बच्चा अगर सोशली इंटरेक्शन देगा ना, सोशली इंटरेक्ट करेगा तभी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है पॉसिबल है सिंपली, ठीक है। फर्स्ट था सोशल इंटरेक्शन, दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है, की पॉइंट, लैंग्वेज। तो अब बोलने का मतलब है कि लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या एक बच्चे के विकास के लिए सिंपली, ठीक है। तो लैंग्वेज का क्या रोल है, आपको क्या लगता है कि क्या लैंग्वेज मतलब क्या रोल क्या प्ले कर रही है यहाँ पे, लैंग्वेज का क्या रोल है यहाँ पे। अच्छा आप मुझे इतना बताओ सिंपली कि बिना भाषा का यूज किए हम सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सोशली इंटरेक्शन के लिए लैंग्वेज एक मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई एक मीडियम नहीं होगा जिससे हम अपने जो भी फीलिंग एक्सप्रेशन है दूसरों के साथ शेयर कर पाए, तब तक हम पॉसिबल ही नहीं है कि इंटरेक्ट कर सके किसी के साथ सिंपली, ठीक है। तो लैंग्वेज भी अकॉर्डिंग टू लीव वाइगोत्स्की क्या करती है, डेवलपमेंट में एक मेन रोल प्ले करती है सिंपली। तीसरा जो इन्होंने मेन एलिमेंट बताया वो है कल्चर, इन्होंने बोला कि एक बच्चा अगर अपने कल्चर में रहेगा, अगर अपने कल्चर को सीखेगा, उनके जो तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, उनको अगर उनके बीच में रह के उसकी रिस्पेक्ट करता है तो बच्चा क्या रहेगा, उसकी कल्चरली भी डेवलपमेंट होगी सिंपली। और ये डेवलपमेंट होना सोशली और कल्चरली अगर वो यहाँ पे एक्टिव है तभी पॉसिबल है सिंपली, ठीक है। तो ये तीन की पॉइंट्स दिए थे किसने, आपके लीव वाइगोत्स्की ने, ठीक है, कि एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ये तीन चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं थ्योरीज की, जो है मैं आपको बता दूंगी, भेज दूंगी, आपने उसको पढ़ लेना है, अभी सिर्फ और सिर्फ समझने का काम कर कि है क्या ये, ठीक है। इसके बाद इन्होंने और कुछ जो इनकी थ्योरी में की पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू कैन से, ठीक है। फर्स्ट
आपने आई थिंक बहुत बार आप पढ़ भी चुके होंगे, जो भी आपका जेबीटी या बीएड का भी सिलेबस रहता है उसमें भी हम जेड पी डी के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, याद आ रहा हो आपको तो जेड पी डी। और टैट में मोस्टली ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जेड पी डी किस चीज के लिए स्टैंड करता है, जेड पी डी स्टैंड फॉर, तो हमसे पूछा जाता है फुल फॉर्म इसकी, सिंपली क्या है इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो, जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट, सिंपली बिल्कुल सही, ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट, ठीक है, ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट। दूसरी जो इन्होंने इंपॉर्टेंट टर्म यूज की है वो है हमारे पास MKO, MKO, ठीक है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MKO, हेयर MKO स्टैंड फॉर मोर नॉलेजेबल अदर, किस चीज के लिए स्टैंड करता है, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, MKO स्टैंड फॉर मोर नॉलेजेबल अदर। तीसरी जो की पॉइंट है मेन हमारे पास वो है स्कैफोल्ड, स्कैफोल्डिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं ढांचा, ठीक है, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जो हमसे ज्यादा जानता हो, हमसे या मतलब ज्यादा जानकार व्यक्ति, ठीक है, और ZPD का हिंदी में क्या है कि विकास का निकटतर क्षेत्र, मतलब जहां डेवलपमेंट हो रही है उसका सबसे नजदीक वाला जो एरिया है, ठीक है, तो ये आपका ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। अब ये चीज है क्या, काइंड ऑफ ये जो स्कैफोल्डिंग है ना, ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किस चीज का, जो आपके लिए एक बना के दिया जाता है कि आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर सके चीजों को, सिंपली, ठीक है। अब मैं आपको ना एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना थोड़ा सा। ये है हमारे पास एक एरिया जहां आपको डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, डेवलप होना है। अब देखो सबसे पहले, अभी जैसे आप इधर बैठे हैं ना, एकेडमी में आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप कुछ चीज सीखने की शुरुआत करने वाले थे, यहाँ पे आप अपना अपना एम लेके आए हैं, किसी को टैक्स क्लियर करने हैं, किसी को कमीशन क्लियर करना है ना, अदर एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तभी यहाँ पे आए हो। जब आप अपने घर में थे ना, तो आपने क्या पढ़ने का ट्राई नहीं किया, स्टडी करने का ट्राई नहीं किया, किया था लेकिन क्या हुआ, नहीं हो पाया ना, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि एक वो प्रॉपर एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं है हमारे पास, है ना, कि हम एक्चुअली स्टार्ट कहां से करें, सिलेबस कितना कवर करें, उस चीज के लिए हमें गाइडेंस चाहिए। तो वही सेम चीज ये अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग या इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बच्चा जब सीखने की कोशिश करता है ना, तो सबसे पहला ख्याल आता है जब वो शुरू करता है, व्हाट आई कांट डू, क्या मैं नहीं कर सकता, कि जो चीजें मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपने भी पहले मतलब शुरू किया ना, तो आपको लगा कि नहीं नहीं मेरे से अकेले नहीं होगा, सिंपली फिर आपने एक कुछ जो भी है आपने आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता अपनाया। फॉर एग्जांपल आप लोग एकेडमी में आए क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा, है ना, तो आपको एक किस चीज की जरूरत थी, गाइडेंस की जरूरत थी। अब जो आपको ये गाइडेंस मिल रही है ना यहाँ पे, जैसे आपने पहले भी थ्योरीज पढ़ी होंगी, साइकोलॉजी हम पहले भी पढ़ रहे थे, लेकिन अभी जो आपको ये छंटा छंटा या शॉर्ट में मिल रहा है ना, वहां ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है ना, बजाय की पूरी थ्योरी के थ्योरी 10 पेज पढ़ने के। तो अब यहाँ पे अब आप क्या फील करेंगे, व्हाट आई कैन डू, दूसरी स्टेज क्या आती है कि मैं जो चीजें कर सकता हूं, है ना। अब जब आप यहाँ पे थोड़े दिन लगाएंगे ना, जो न्यू है वो सिंपली थोड़े दिन लगाएंगे, थोड़ा आपको कंफर्टेबल फील होने लगेगा, जो लगा चुके हैं उनको पता है कि पहले से और अब में डिफरेंस क्यों आया है, ठीक है। तो अब देखो ये जो दूसरी वाली जो आपकी स्टेज है ना, ये आपकी फर्स्ट स्टेज, ठीक है, ये आपकी सेकंड स्टेज, और ये जो आपकी थर्ड स्टेज रहेगी। अब ये आपकी जो दूसरी वाली स्टेज है, यही कहलाती है हमारी क्या, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट।
अब अगर मैं यहाँ आपको इसको और अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूँ तो क्यों ये ZPD है, क्यों ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, सिंपली ऐसा क्षेत्र जहाँ आप ज्यादा सीखने की, आपके सीखने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है ना। और गाइडेंस कर कौन रहा है, जो आपको ट्यूटर है यहाँ पे, वो मतलब ऑब्वियसली आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, आपको सिखा रहे हैं ना, तो इनकी थ्योरी में वो इंसान कौन है, MK वो है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ZPD आप जो मतलब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया में आए हैं तो आपकी हेल्प कर रहा है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, मैं अगर आपको करवा रही हूँ तो मेरे पास आपसे ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, तभी मैं आपको कुछ सिखा सकती हूँ सिंपली, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल है, आपको समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपने थोड़ा डेवलपमेंट हुई है, तो मतलब MKO का रोल यहाँ अभी इस टाइम मैं प्ले कर रही हूँ, समझ रहे हो, मतलब ज्यादा आई थिंक एग्जाम्पल्स के थ्रू ज्यादा समझ आता है, ठीक है। अब देखो, मैं अगर MKO हूं, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के लिए, तो जो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ना, ये जो मैं आपको की पॉइंट समझा रही हूँ शॉर्ट में दे रही हूँ ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हो पाए, हमारी जो गाइडेंस है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो कहलाता है स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग, मतलब हम एक आपको स्ट्रक्चर तैयार करके दे रहे हैं, ठीक है, कि ZPD के लिए MKO जो आपकी हेल्प कर रहा है वो कहलाएगा स्कैफोल्डिंग। एक ढांचा तैयार करके दे रहे हैं हम आपको कि आपने ये चीजों पे ज्यादा फोकस करना है और इन चीजों को छोड़ देना जहां से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। और फास्ट स्टडी वही है, क्योंकि अगर आप 10 पेज पढ़ रहे हैं और आपको यहाँ पे मैं वही चीज सेम अगर 1-1.5 पेज में दे रही हूँ और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो ये बेटर है ना 10 पेज पढ़ने के बजाय, तो वही कहलाती है क्या, स्कैफोल्डिंग, कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक ढांचा तैयार करके दे रही हूँ, एक स्ट्रक्चर तैयार करके दे रही हूँ कि आपको ये पढ़ना है सिंपली, ठीक है। तो यही लीव बायगोस्की ने अपनी थ्योरी सोशल कल्चरल थ्योरी में कहा है कि एक बच्चे को अगर सीखना है ना, जरूरी नहीं पढ़ाई के लिए ही, नॉर्मली भी अगर वो डेवलप कर रहा है सोशली कल्चरली, तो उसके आगे कोई मोर नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए जो उसको सिखा सके अच्छी चीजें सिंपली, ठीक है। और वो इंसान जो भी उसकी हेल्प कर रहा है वो स्कैफोल्ड कहलाता है सिंपली, क्लियर है। तो ये तीन चीजें थी, ये तीन टर्म्स थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी की पॉइंट्स में सिंपली, और इसी के बारे में मोस्टली थ्योरी आपकी रहती है, ठीक है। ये तीन भी क्लियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पे एक और है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लीव वाइगोस्की ने ना एक और टर्म के बारे में बात की है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच, खुद से बात करना, प्राइवेट स्पीच कि क्या कहलाती है, ये प्राइवेट स्पीच होती क्या है सिंपली, ठीक है। हाँ, अपने आप से बात करना, आपने देखा होगा ना कई बच्चे, आपने मतलब ऐसे एग्जांपल में भी आप लोग भी करते हो, हमने भी किया हो शायद, कभी कभी हम खुद से बातें करते हैं, तो उस चीज का मतलब क्या होता है कि जब आप एक बच्चा जब खुद से बात कर रहा है ना, उस चीज को लीव वाइगोस्की ने बोला है क्या, प्राइवेट स्पीच सिंपली, क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच, ठीक है। अब ये प्राइवेट स्पीच जो यूज करता है, इसके थ्रू बच्चा करता क्या है, अपने से बातें कर रहा है ना, मतलब अगर एक बच्चा दूसरे से बात करने से डर रहा है या अपने थोड़े थोड़े एक्सप्रेशन को शेयर करने से डर रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, तो वही चीजें वो सेम अपने साथ कर रहा है कि किसी और को नहीं मैं सुना सकता, तो मैं खुद के साथ बातें कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। तो इस चीज को बोला गया है क्या, प्राइवेट स्पीच, क्लियर है। किसने कहा है ये, वाइगोस्की ने, और ये मतलब वाइगोस्की के अनुसार कि जब आप प्राइवेट स्पीच करते हैं तो आप खुद को गाइड कर रहे हैं, कि खुद को खुद ही गाइड कर रहे हो कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कई बार हम भी गलती कर देते तो खुद को बोलते हैं ना, जैसे कि ये तूने क्यों किया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था सिंपली, तो वो जो हम खुद से बात करते हैं वही कहलाती है क्या, प्राइवेट स्पीच, ठीक है। चलो, ये कुछ आपके मेन पॉइंट थे किस चीज के, लीव वाइगोस्की के। नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अब हमने तीन थ्योरीज देख ली, कौन कौन सी,
प्राजी की, लॉरेंस कोहलबर्ग की और लीव बायगोसी की, इनमें सिमिलैरिटीज क्या हैं और डिफरेंट पॉइंट्स क्या हैं इनके ओपिनियंस के, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? प्याजे, कोहलबर्ग एंड वायगोत्स्की, ठीक है। इन तीनों में सिमिलैरिटीज या फिर इनकी थ्योरीज में डिफरेंट पॉइंट्स ओपिनियंस इनकी क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे प्याजे एंड कोहलबर्ग का, पहला पॉइंट इन दोनों का लिखेंगे कि प्याजे और कोहलबर्ग में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंट ओपिनियंस क्या है इनके, ठीक है। इंग्लिश में है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे, फिर मैं आपको ये हिंदी में समझा देती हूँ। बोथ ऑफ देम मतलब ये दोनों अंडरस्टूड, बोथ ऑफ देम अंडरस्टूड दैट पर्सनल डेवलपमेंट, बोथ ऑफ देम अंडरस्टूड दैट पर्सनल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड द सोशल एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड द सोशल एनवायरमेंट। ठीक है, क्या बोला कि इन दोनों ने ये चीज समझाई है कि पर्सनल डेवलपमेंट है एक बच्चे की, वो इन्फ्लुएंस होती है किस चीज से? हेरिडिटी से और सोशल एनवायरनमेंट से। बोलने का मतलब है आपका वंशानुक्रम, मतलब आपकी जो फैमिली है, जो उससे पीछे दादा परदादा जो ये रही है हेरिडिटी, वो कैसे थे, उनका नेचर कैसा था, ठीक है, वो चीज डिपेंड करती है। और दूसरा सोशल एनवायरनमेंट आपके आगे पीछे का कैसा है, ये आपकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सिंपली ये दोनों इसी चीज पे सहमत थे, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, प्याजे सजेस्टेड 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्याजे सजेस्टेड, ये हमें अच्छे से पता है कि प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई थी किस चीज की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। वेदर जो आपके कोहलबर्ग है उन्होंने कितनी, 6, पहली बात ये पता होना चाहिए किसने कितनी स्टेजेस दी है। कई बार सीधा सीधा इजी लेवल पे जो क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर ने स्टेजेस कितनी दी है, ठीक है, तो कोहलबर्ग ने 6 स्टेजेस दी है, प्याजे ने 4 स्टेजेस और कोहलबर्ग ने 6 स्टेजेस दी है। ठीक है, अब ये जो प्याजे हैं इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको जोड़ा है किस चीज के साथ, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ। जो प्याजे हैं इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ जोड़ा है, किस चीज के साथ कनेक्ट किया है कि बायोलॉजिकल, मतलब जो आपका जो चीजें हैं, आपको बच्चों को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं होती है, बायोलॉजिकली जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो धीरे धीरे खुद सीखेगा सिंपली, ठीक है। इन्होंने प्याजे ने बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ जोड़ा है इसको। और अगर हम बात करें कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट को किस चीज के साथ जोड़ा है, सोशलाइजेशन विद फैमिली सिंपली, ठीक है, कि फैमिली और जो आपका सोशली जो इन्वायरमेंट रहेगा वो इफेक्ट करेगा सिंपली इसमें, मॉरल डेवलपमेंट में। और प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये था इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज या फिर इन्होंने किस किस चीज के बारे में डिफरेंट बात की है। जैसे प्याजे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट पे विश्वास करते थे या उसपे उसको बेस मानते थे, और जो कोहलबर्ग है वो सोशलाइजेशन को बेस मानते थे, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला हमारे पास है वायगोत्स्की, है ना। अब वायगोत्स्की की थ्योरी किसके साथ सिमिलर या डिफरेंट है, तो प्याजे एंड वायगोत्स्की। नेक्स्ट, प्याजे एंड वायगोत्स्की नाम, यहां हम कोहलबर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, बोथ ऑफ देम सेड दैट चिल्ड्रन Children build knowledge through experiences in life.
children build knowledge through experiences, ठीक है, experiences in life, कि आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंस है ना वो आपको क्या करते हैं, सिखाते हैं। सिंपली इन दोनों ने इस चीज पे क्या दिया है, जोर दिया है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला पॉइंट लिखेंगे, हाउएवर व्हाइल प्याजे सेड, व्हाइल प्याजे सेड मतलब जब प्याजे ने कहा दैट Children learn from their own adaptive. Children learn from their own adaptive and organizing abilities. Adaptive and organizing abilities. And on the other hand. And on the other hand, Vygotsky. On the other hand, Vygotsky stated that. Vygotsky stated that children learn from socially interaction. Children learn from social interactions with others. Social interaction with others. Social interaction with other through language and culture. Through language and culture simply. ठीक है, ये बात किसकी थी, Vygotsky की थी। लेकिन प्याजे क्या कहते थे इस मामले में, प्याजे का क्या कहना था। अभी मैंने आपको जो पॉइंट लिखवाया कि बच्चा जो है खुद सीखता है क्या करके, अडाप्ट करके, मतलब जब वो एनवायरमेंट में है तो वो उस चीज को अडाप्ट करेगा, अडाप्टिव एबिलिटीज के बेसिस पे बच्चा सीखेगा, ये प्याजे कहते थे। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि सोशल इंटरेक्शन करेगा, लैंग्वेज का यूज करेगा, कल्चर का यूज उसमें मतलब इन चीजों को यूज करेगा, तभी ये क्या कर पाएगा, डेवलप हो पाएगा सिंपली। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू और जो भी आपके ओपिनियंस थे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन प्याजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोसी कुछ कुछ हमने देखने को मिलते हैं वो ये थे सिंपली। ठीक है, तो आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है, बाद में इसके क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है।